हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंद्रधनुषी दुनिया में। आज हम लेके आए हैं फिर से एक नया टॉपिक जो है रोमन न्यूमरल्स। हम लोग ने तो 1, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ा ही है, हिंदी में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ा है। ये है और ये हिंदी में हो गए, है ना। इसी तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में जो होता है 1, 2, 3, 4, ये कैसे लिखेंगे? ये हो गए 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3। अब 4 में क्या 4 लाइंस? नहीं, 4 में क्या करेंगे? 1 और एक V, ये हो जाता है 4। अब 5 लिखने के लिए ये होते हैं 5, ठीक है। अब इसमें समझने वाली चीज़ है, मैं एक और लिख रही हूँ 6, अगर ये है 6। अब यहाँ देखो, ये 4 में 1 जो है वो पहले है और 6 में जो है ये बाद में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो 5 हुआ, यहाँ 5 हम लोग ने V लिखा है, यानी ये 5 है तो अगर इसके पहले है तो ये 5-1 हो जाता है। यानी कितना आता है? 5-1 = 4, ठीक है। अगर पहले है 1 तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर बाद में है, जैसे 6 में क्या है 5, V हो गया 5 और 1, यानी ये 6 हो गए। 5+1 ये बाद में है, इसीलिए ये इसका मतलब है +1 किए हैं, तो ये हो गया यहाँ पे 6। अब 7 में क्या करेंगे? V मतलब 5, 6, 7, ठीक है। 8 में 5, 6, 7, 8, इसी तरह से हम लोग जब 9 लिखेंगे तब क्या होगा वो मैं बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं 9 लिख रही हूँ, 9 कैसे लिखेंगे? ये हो गया 9, ये क्यों होता है मैं बताती हूँ। 9, 10, x, ये 10 हो गया, और 11 जब लिखेंगे तब x और 1। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ जो 6 और 4 में होता है, यहाँ भी 9 में जब हम लोग लिखे हैं तो ये 10 है और ये पहले है, इसका मतलब है माइनस हो गया, 10-1 दैट इज 9। अब यहाँ पे क्या है? 11 है, 11 मतलब 10+1, तो यहाँ पे क्या है? 10 के बाद 1 है, तो ये हो गया तुम्हारा 10+1 = 11, ठीक है। अब 12 जो लिखेंगे वो 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 10 and 4, 14, 15, 16, इसी तरह से लिखेंगे। जब 20 आएगा तो ये हो जाएगा 10 and 10, 20, ठीक है। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, ये इसी तरह से जाता जाएगा। जब 30 आएगा तो ये हो जाएगा 10, 20 and 30, उसके बाद 31, 32, 33, 34, जिस तरह से 1, 2, 3, 4 लिखते हैं वैसे ही जाएगा। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आ जाएगा, यानी कि 40 में 4 times x नहीं होगा, ठीक है। 40 में क्या होगा? x और l, l means होता है 50। जब हम l लिखते हैं, l का मतलब होता है 5050। तो यहाँ जब हम 40 लिखते हैं तो ये हो गया x और l, क्यों? क्योंकि जब हम 50 लिख रहे हैं तो 50 का मतलब होता है l, और x हम पहले लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये माइनस होगा, यानी ये 50 जो है 50 से ये 10 माइनस करेंगे, तो 50-10 = 40। तो जब हम 40 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x और l, तो 41 में क्या हो जाएगा? x l
वन, 41, 42 में x, l, 42, 43, 44, 45, सेम एज इट इज़ चलता रहेगा 49 तक, और 50 जो हो जाएगा ये l हो जाएगा, ठीक है। 50 के बाद 51, 52, 53 जो भी है एज इट इज़ चलता रहेगा। 60 जब आएगा तब क्या होगा, 50 प्लस 10, ये क्या है 10 है, तो ये जब 50 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी 40 में x पहले आया और 60 में x बाद में आएगा, यानी जहाँ भी हम लोग पहले लिखेंगे वो माइनस होगा और अगर हम लोग बाद में लिखेंगे तो वो हमेशा ऐड ऑन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग आज 1 to 50 का रोमन न्यूमरल सीखे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 51 to 1000। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करते हैं, तो रोमन न्यूमरल्स में भी हम लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन सब कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, ये अगर मैं लिखती हूँ इसका मतलब क्या हुआ, 10 and 10, दिस इज 20 प्लस दिस इज 4 और 6, 4, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। देन हाउ आई विल राइट इन द रोमन न्यूमरल्स, दिस इज 20 and 4, सिंपल, दिस इज 20 प्लस 4, दिस इज 24। नेक्स्ट, दिस इज एक्स एंड एल, एक्स एंड एल इज 40, दिस इज 50, एल इज 50, 50 माइनस 10 दैट इज 40, 40 प्लस दिस इज 5, 40 प्लस 5 इज 45, x, l and v, this is 45. We will take some example of subtraction also. Now, we will do 10, 20, 25, 25 minus 15, 25 minus 15, how much it will be? 20, this is 15, 10 and 5, here 10, 5. 15, 25, 25 minus 15, how much you will get? 10. Then, this will be the answer. Now, again we will do 10, 20, 29. Okay? 10, 20, 29. 29 minus 10. 29 minus 10. Then, what will be the answer? Here it will be 19. 10 and this one is 10 and this is 9, 19, okay? अब sample papers या worksheet दूंगी जो आप ज़रूर से try कीजिए और उसको अच्छे से practice कीजिए, ठीक है। और ये आपके लिए IMO वगैरह में भी काफ़ी helpful होगा। आपने Olympiad का तो form fill किया ही होगा अपने school में, तो उसके भी preparation अच्छे से कीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।